नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर वो गई हुई हैं और ये मिशन 14 जून तक का है। इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नया अंदाज स्पेस स्टेशन पर झूमी सुनीता। कमांडर ऑफ स्टारलाइनर बुच विलमोर। कामयाबी की खुशी सुनीता विलियम्स के चेहरे पर साफ नजर आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से डांस करने लगी। चेहरे पर गजब का उत्साह था। ये वीडियो तब का है जब वो स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन में उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्पेस स्टेशन पर डांस करने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। उन्होंने भी सुनीता विलियम्स का जोरदार स्वागत किया, जो ये साफ दिखा रहा था कि अपनी मंजिल तक पहुंचने की चुनौती और उसे पार करने की खुशी क्या होती है। सुनीता के स्पेस स्टेशन में पहुंचते ही घंटी बजाई गई। ये एक परंपरा है, जब भी कोई नया अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका वेलकम करते हैं। सुनीता के साथ स्टारलाइनर यान से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे बुच विलमोर का भी स्वागत किया गया। अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोचक और रोमांच से भरी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियाँ आती है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की सबसे बड़ी खासियत चुनौती से डील करना ही है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। 58 साल की विलियम्स इस परीक्षण उड़ान की पायलट है, तो 61 साल के विलमोर इस मिशन के कमांडर है। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। 26 घंटे के बाद वो गुरुवार को स्टेशन पहुंची। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। वो दो अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग एक हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी प्रशिक्षण में मदद और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को स्टारलाइनर यान में सवार होकर धरती की तरफ रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सलून में काम करने वाला युवक थूक लगाकर मसाज करता दिख रहा है। यह वीडियो शामली का बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कभी तंदूरी रोटी पर थूक तो कभी दूसरी हरकत, ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें घटिया मानसिकता सामने आई है। अब सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सैलून वाले की एक करतूत ने लोगों को आक्रोश में भर दिया है। वीडियो शामली का बताया जा रहा है। सैलून में एक युवक फेशियल कराने पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैलून वाला उसके साथ ऐसा कुछ करेगा जो बेहद ही शर्मनाक है। अगर सैलून वाले की हरकत कैमरे में कैद नहीं होती तो उसे भी पता नहीं चल पाता। वो जिस विश्वास के साथ फेस मसाज कराने आया, वीडियो सामने आने के बाद तो उसे बहुत ही धक्का पहुंचा होगा। सैलून वाला उसके चेहरे का मसाज करते करते अचानक अपनी हथेली में थूक गिराता है और उसके चेहरे पर मलने लगता है। फेशियल की वजह से युवक की आंखें बंद थी, जिससे वो यह देख नहीं पाया। हम अक्सर सैलून में फेस मसाज कराने जाते हैं, जहां सैलून वाला क्रीम का इस्तेमाल करके हमारा फेशियल करता है, लेकिन इस सैलून वाले ने तो हद ही पार कर दी।
दावा है कि वीडियो शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के भनेड़ा गांव का है। आरोपी सैलून वाले का नाम अमजद बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के पास भी पहुंच गया, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें एक बार्बर है जो किसी का शायद फेशियल कर रहा है या शेविंग कर रहा है, और उसमें करते हुए कुछ गलत कार्य कर रहा है। तो वो कल हमें वीडियो प्राप्त हुआ है और उस व्यक्ति की जो है वो तस्दीक कर दिया गया, थाना भवन से संबंधित है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई युवक की घटिया मानसिकता बता रहा है तो कोई युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस तरह के वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।